वातावरण है, सिया राम में सब जग जानी, कोई या पिया आजा दादा की कोई बात नहीं होगी भैया, राम सुनने के लिए आदरणीय दीदी और भाई साहब आप सब की उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ। चार पंक्तियों से अपने काव्य पाठ की शुरुआत करूंगा, उसके बाद फिर जैसा आपका मन वैसा मैं पढ़ सकता हूँ। थोड़ा सा स्वागत लीजिए ना इसका, खुल सके गोधरा और अवध के दान काम आएंगे। गोधरा और अवध के दान काम आएंगे, सुनहरी किरणें और सुनहरी शाम लाएंगे। दोनों हाथों को आसमान में उठा देखना चाहता हूं अगली पंक्ति में, सुनहरी किरणें और सुनहरी शाम लाएंगे, दोनों हाथों को उठा अपने जय श्री राम कहो। दोनों हाथ अवध में राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भैया मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना खुल के गा पाऊं। वाह, चतुर्भुज राम के शायद चारों हाथ मेरे सिर पर रखे हैं, सिया राम में सब जग जाए, आदि अंत कोई जासु ना पाओ, जिसका आदि कब है अंत कब है, जिनका जन्म कब हुआ जिनका अंत कब हुआ, ये केवल बातों का विषय है। क्या बात, इतिहासकारों से लेकर के श्लोकों की पंक्तियों तक, विवाद करने वाले मूर्खों से लेकर के तो विद्वानों तक, सब इस बात में उलझे हैं कि भगवान हुए ना हुए, कब उनका जन्म हुआ कब उनका अंत हुआ, ये सब उनका विषय है, उन पे छोड़ो। हम तो इतना जानते हैं कि नेति नेति कण कण में राम है। क्या वाह 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 वाह, सरयू नाम सुमंगल मूला, माता सरयू के तट के माता सरयू के कण कण बूंद बूंद इस बात का प्रमाण जानती है कि भगवान राम ने अपने पावन चरणों को सरयू माता में धोया होगा। अवध की गली गली ने भगवान की अठेलियां देखी होंगी, ऐसे भगवान राम के अस्तित्व पे लोग उंगली उठाते हैं। उठाएंगे क्यों ना, वही लोग उंगली उठाते हैं जो अपने बाप की कसम खाए तो अगले दिन पड़ोसी मर जाए। हमें हमें इस बात का गर्व है कि हमें हमारी आकाश गंगा में भगवान सूर्य मिले और उसी सूर्य के कुल में भगवान हमारे आराध्य राम जन्म। वर्ष में कई बार ग्रह नक्षत्रों के कारण सूर्य ग्रहण आता है, हमारे आराध्य के मंदिर में भी ग्रहण लगा। 550-600 साल बीत जाने के बाद अब समय है कल जब वो ग्रहण छटने वाला है। वाह, इस देश में राम राज्य की स्थापना होगी। हम जोर जोर से गा रहे हैं राम आएंगे, कहां आएंगे राम, हर घर में राम आएंगे, उस घर में राम नहीं आएंगे जो राम का है।
अपने अपने पिता की केवल एक आज्ञा पर पूरी पूरी पूरे राजपाट को छोड़कर चल देने का सामर्थ्य जिसमें है उसके घर नाम आ गई। क्या बात, अपनी सौतेली मां के एक आदेश पर बिना पूछे घर से निकल जाने वाले के घर में राम आएंगे। अपने सुख दुख जिसका कल राज तिलक होना था, सही कि नहीं, वो आज उनको आज वलकल वस्त्र में वन भेज दिया गया। अपने भाइयों के प्रति सब कुछ समर्पित करने वाले के घर राम आएंगे। हमें सौभाग्य मिला है कि हम उस पीढ़ी के लोग हैं जो भगवान राम के मंदिर को बनते हुए देख पा रहे हैं। राम कृपा वा काज विशेष है, जन्म हमारा सुफलवा है, जो आज हम धन्य है हमारी पीढ़ी। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमारा सुफलवा। हमारी पीढ़ी धन्य है कि हम भगवान राम के मंदिर को बनते हुए देख पा रहे हैं। राम राज्य की स्थापना होने जा रही है देश में। मैं एक नए गीत से आपको जोड़ना चाहता हूँ। स्वागत स्वागत है। प्रयास कीजिएगा कि तालियों के साथ मेरे साथ। स्वागत निकल लिए। सदियों से प्रतीक्षा थी जिसकी आज आ रहा, सदियों से प्रतीक्षा थी जिसकी आज आ रहा, खुशियां मनाइए के राम राज से प्रतीक्षा थी जिसकी आज आ रहा, खुशियां मनाइए के राम राज आ रहा, सब साथ गाइए के राम राज आ रहा। क्या है राम राज, 2014 से पहले के भारत में ले जाना चाहता हूँ। जब हमारे सनातन के हमारे पूर्वजों ने जब मंदिर को टूटते वो दंश झेला होगा, और 2014 से पहले तक उन विधर्मी ताकतों में किसी पार्टी पॉलिटिक्स या किसी धर्म विशेष की बात नहीं करूंगा, लेकिन जो जिसने राम का काज किया है, जिसने राम का साथ दिया है, उनकी बात यदि इस पावन मंच से ना की जाए तो शायद अन्याय होगा। गंगा थी मगर देश ने सागर का जल पिया, सरयू थी मगर देश ने सागर का जल पिया, वो कौन थे जिन्होंने सनातन से छल किया, सोने के पंख सोन चिड़ैया के तोड़ के, खुशहाल लहलहाती फसल पे हल दिया। ओए ओए वाह। दो नाम लेना चाहूंगा अगर आपको लगे तो समर्थन करना। खुशहाल लहलहाती फसल पे हल दिया, नेताजी जैसे स्वाभिमानी खप के रह गए, नेता भगत से स्वाभिमानी खप के रह गए, आदर्शवादी नोटों पे ही छप के रह गए। बात क्यों ना की जाए यार। अरे ही बात कर रहे हैं, मजा क्यों ना बात हमारे देश का वीरस का वो सिपाही बैठा है हमारे सामने, हिमांशु हिंद, जिसकी उपस्थिति में पढ़ना चाहता हूँ। जो राम जो काल पाश नाग पाश धर्म पाश काल दंड दंड, हमने राम की केवल मर्यादा को देखा है, राम के पौरुष को नहीं देखा है। क्या बात,
कालपाश नागपाश धर्मपाश कालदंड दंड चक्र कर्म चक्र विष्णु चक्र इंद्र चक्र पिनकास्त्र इशकास्त्र वायवास्त्र आग्नेयास्त्र दंडक शिखरी मोदकी लक्ष अलक्ष सुलक्ष सुनाक सुनाक ब्रह्मास्त्र जो मंत्र शक्ति से चलते जैसे 30,000 युद्ध कौशल विद्या को जानते थे वह हमने केवल भगवान की केवल मर्यादा को देखा है भगवान के शौर्य को कहां देखा है आज हम गर्व है हमें कि भगवान के शौर्य को शौर्य नमन संस्थान का मंच लोग पूछते हैं कि 100 सालों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस देश को क्या दिया कितने लोग यहाँ पर सुबह अनुशासन पूर्ण अनुशासन में जाकर ध्वज प्रणाम करते हैं मुझे पता नहीं जो ना भी करते हो लेकिन इस संघ ने देश को 100 सालों में क्या दिया हम संघ के शताब्दी वर्ष में हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस 100 सालों में देश को क्या दिया है जितना भी दिया है पूरे दिए हुए का नवनीत केवल आधी पंक्ति में पढ़ूंगा आप दोनों की उपस्थिति में आप सबकी उपस्थिति राष्ट्र विरोधियों पर पूर्ण विराम वाले हैं राष्ट्र विरोधियों पर पूर्ण विराम वाले हैं भारत माता का परम वैभव जिनके ही हवाले है और संस्कार अनुशासन ये देश है जिनसे हमें गर्व है हम ध्वज प्रणाम वाले मेरा विश्वास है मेरा दावा है आप उछल जाएंगे अगली पंक्ति में क्या दिया है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने देश को सुनिएगा स्वागत है सोने के पंख सोन चिड़ैया के तोड़ के खुशहाल लहलाती फसल पे हल्दिया ने संघ